हेलो जी, और हम रुके थे माउंट व्यू पहलगाम में। जी हाँ, पूरा 24 घंटे हमने स्पेंड किए हैं पहलगाम में। बहुत खूबसूरत जगह है और ये होटल भी बहुत अच्छा है। यहाँ का डिनर बुफे लाजवाब है और अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है, वो भी बहुत बढ़िया है। अगर आप पहलगाम आ रहे हैं तो माउंट व्यू आप कंसीडर कर सकते हैं रहने के लिए। बाकी बात रही यहाँ के खाने की, स्ट्रीट फूड की, हमने काफ़ी जगहें ट्राई की और एक जगह का तो हमने पूरा वीडियो बना दिया है, वो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। पिछला वीडियो जाकर देखिए। और अब हम श्रीनगर की तरफ वापस निकल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पहलगाम में थोड़ा और घूमेंगे और फिर आपको श्रीनगर दिखाएंगे। और देखिए कितनी खूबसूरत जगह पे हैं हम। और हमारी पहलगाम और श्रीनगर की ट्रिप ऑर्गेनाइज की है ग्रू कश्मीर टूर एंड ट्रेवल्स ने। सो आई वांट एवरीवन कि आप आ जाए, बैग्स अपने पैक कर ले, डेट्स फिक्स कर दीजिए, रेस्ट आप हम तक छोड़ दीजिए। आपका ट्रिप जो है कश्मीर का, वो बहुत ज़्यादा मेसमराइजिंग रहेगा। इनके पास बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस हैं। आइए इंजॉय करिए और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो पे स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी। हम इस वक्त हैं पहलगाम के बस स्टैंड पे और यहाँ पे हम एक स्पेशल चाय पीने आए हैं। जी हाँ, गुलाबी रंग की चाय। कभी आपने पी है गुलाबी रंग की चाय? चलिए आपको दिखाते हैं और पी के भी बताएंगे कि कैसी है। पहलगाम बस स्टैंड पे खाला भाई, जी हाँ, ये पीछे देखिए खाला भाई रेस्टोरेंट। यहाँ पे चाय और नाश्ते की चीज़ें मिलती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। टेक अवे काइंड ऑफ आउटलेट है, कोई सिटिंग स्पेस ऐसा नहीं है, बाहर एक दो टेबल लगे हैं, यहाँ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। ये बस स्टैंड है पहलगाम का, वहाँ पर है। आइए सबसे पहले आपको दिखाएंगे गुलाबी चाय। तो इस आउटलेट के ओनर मिल गए हैं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अब्दुल खालिक भट्ट है। खाला भाई मुझे लोग बोलते हैं। चाहे आप कहीं भी जाओ, श्रीनगर जाओ, कहीं भी कश्मीर में जाओ, खाला भाई का दुकान मशहूर है। खाला भाई का दुकान मशहूर है। और यहाँ क्या क्या रखते हो आप? या हम नमकीन चाय रखते हैं, मीठी चाय रखते हैं, कहवा रखता है, कॉफी रखता है, मैगी रखता है और आमलेट रखता है। और कितने बजे सुबह खोल लेते हैं आप? सुबह हम 7 बजे खोलते हैं, शाम को 10 बजे बंद करते हैं। शाम को 10 बजे तक रहता है। और ये जो नमकीन चाय है जो गुलाबी रंग की होती है, ये क्या खासियत है? बेसिकली क्या चीज़ होती है ये? सर चाय इसका अलग होता है। अच्छा, पत्ती अलग होता है? ये पत्ती अलग होता है, ये यहाँ उबाला नहीं जाता है, ये हमारे पास उबाल के हमने लाए हैं घर से, अंदर में है। अच्छा। इसका रंग काला होता है। अच्छा। जब इसमें दूध पड़ता है तो फिर गुलाबी होता है। अच्छा। हमारे लोग सुबह सवेरे दिन में ये हर वक्त पीते हैं। अच्छा। क्योंकि कभी सिर में दर्द रहता है किसी को, किसी को घुटनों का तकलीफ या पेट में या गले में जो भी तकलीफ है, हम इसको एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसको एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब देखिए, एक तो अगर शुगर पेशेंट होगा, शुगर पेशेंट तो मीठा पिएगा ही नहीं, उसके लिए ये है, सेहत के लिए अच्छा है। नमक टेस्ट है, नमक इसमें पड़ता है, नमक का टेस्ट आता है। जो बाहर का टेस्ट है वो मीठा है। आप बहुत सारे पीते हैं ये भी, नमकीन चाय भी पीते हैं इधर, मतलब उनको पसंद। वो जब देखते हैं इधर, ये रोटी देखता है हमारा, लोकल रोटी है, तंदूर से आता ब्रेड है, ये तंदूर से आता है, हम इसको मक्खन लगाते हैं। तो हमारे लोग ये इसके बगैर चाय नहीं पियेंगे। हम ये ब्रेड हो गई, साथ में ये चाय हो गई। हाँ, ये चाय कितने का है, कितने की रहती है ये चाय? तो मतलब इससे तो थोड़ा महंगा है, 100-200 रुपए, ये 750-750 रुपए किलो आता है। अच्छा, किलो चाय आता है। नहीं, आप यहाँ ग्राहक को कितने का कप देते हैं? वही देता है जो आम लोगों को देता है। क्या रेट? 25 रुपया चाय और रोटी के साथ। 25 रुपए का चाय, साथ में रोटी। हाँ, साथ में रोटी भी देते हैं, मक्खन लगा के साथ में रोटी। पहलगाम से श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गुलाबी चाय कैसे हम मिस कर सकते हैं? ये है गुलाबी चाय, ये देखिए गुलाबी रंग की चाय, ये होती है नमकीन। और हमारे वीर जी ने थोड़ा सा इसको फ्यूजन कर लिया है कि अपनी थोड़ी सी चीनी डलवाई है, चीनी डाल दी नमक की जगह, नमक भी डला हुआ और हल्का सा खट्टा मीठा स्टाइल हो गया ये। और ये देखिए साथ में हमें यहाँ की कश्मीरी ब्रेड है, क्या कहते हैं उमर, गिरदा। तो हमारे उमर भाई जो हमें पूरा ये घुमा रहे हैं, जिनकी गाड़ी में हम कश्मीर पहलगाम श्रीनगर घूमेंगे, वो कहते हैं इसको कहते हैं गिरदा। ये यहाँ की कश्मीर की लोकल ब्रेड है, मक्खन लगा दिया गया है और इसको पहले खा के देखते हैं कैसा है। और हमने सामने बेकरी से लेके आए थे बाकड़ खानी,
भाकड़ खानी भी हमने हल्की सी गर्म कराई है, हम भाकड़ खानी भी साथ में टेस्ट करेंगे। और ये बेसिकली क्या कहते हैं, पफ होता है ना? पफ है, पर फ्लेवर बड़ा डिफरेंट है इसका। लो जी, तो ब्रेड एंजॉय करेंगे, साथ में रहेगी चाय। ओए होए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हल्का सा नमक होगा, जैसे हम घर में चाय बनाते हैं हल्का नमक कहीं बार डालते हैं, नहीं, इसमें नमक तेज है। ब्रेड साथ में, आप किसी भी शहर जाएं, वहाँ की स्पेशलिटी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ये पहलगाम एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ें हम दिल्ली या दूसरे शहरों में खाते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो दुकानें हैं, वहाँ पे बेसिकली क्या है, टूरिस्ट आ रहा है, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो ये ब्रेड है। यहाँ छोटे स्टॉल्स में मिल रही है, वो मिल रही है, छोटे छोटे स्टॉल्स में आपको मिलेगी, और मांगनी पड़ेगी कि क्योंकि ये आपको सामने डिस्प्ले में नहीं दिखेगी कि यहाँ ब्रेड पड़ी है। तो यहाँ आए तो ऑथेंटिक चीज़ें खाएं, जैसे आपने हमारे पहले वीडियो में देखा होगा, हमने यहाँ पे आलू खाए, पनीर खाया, वो यहाँ के ऑथेंटिक पुलाव खाए, ये खाए, अब ये भाकड़ खानी भी खा रहे हैं हम, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट, और चीनी का फ्यूजन करने के बाद तो चाय मेरे को और अच्छी लग रही है। अंदर लेयर्स हैं पैटी की तरह सारे। और अब हम श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं, कल आते हुए हमने 3-4 जगहें शॉर्टलिस्ट की थी कि वापसी में वहां आके खाना ज़रूर इंजॉय करेंगे। आपको दिखाते हैं कि क्या खाने की बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलने वाली हैं पहलगाम श्रीनगर हाईवे पे। पहलगाम और श्रीनगर जो हाईवे है वहाँ पे ये दरगाह है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा लैंडमार्क है, बहुत फेमस है। यहाँ पे बजरंगी भाईजान जो मूवी थी जिसमें अदनान सामी ने जो शूट हुआ था, कवाली गई थी, वो सामने इसी दरगाह में शूट हुआ था। दरगाह से बाहर निकलते ही ये स्वीट्स की शॉप है, यहाँ देखिए कितनी वैरायटी है पकौड़ों की। ये हमने कुछ ले लिया है, इससे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या रेट है। तो यहाँ पे बहुत सारे पकौड़े हैं, और ये देखिए, ये है नदरू का, ये नदरू हो गया भें जिसको कहते हैं, और ये क्या रेट रहता है? ये रहता है 400 रुपए किलो। वाह। और सबसे ऊपर ये पकौड़ा है, ये प्याज का है, ये क्या रेट रहता है? ये रहता है 250 रुपए 250 रुपए किलो। और ये आलू का? ये भी रहता है 200 रुपए। वाह। और ये भी रहता है, ये मटर का है 250 रुपए। वाह। तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, टेस्ट करके बताएंगे कैसी है, क्योंकि ये चीज़ें दिल्ली में कुछ चीज़ें मिलती हैं और कुछ ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। तो हम अपने लिए एक प्लेट बनवा रहे हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिक्स करवा के, ताकि आपको बता सके कि कैसा इसका टेस्ट है। तो सारे टाइप के जो पकौड़े थे हमने मिक्स करवा लिए हैं यहाँ पे, एक पाव। तो लीजिए खजाना, सबसे पहले क्या लोगे? भेंदा खावांगे पहले से, नहीं जरा मिलता ही नहीं हर जगह। नहीं, सबसे पहले ये देखिए भें का पकोड़ा है यहाँ पे, ये देखिए कितना पतला, बहुत ज्यादा क्रिस्प है, और अंदर से भें थोड़ा चुई सा है ना, भें मतलब थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, क्योंकि होता है भें कह लो, नदरू कह लो, लोटस स्टेम कह लो इंग्लिश में। तो हमने इसको डबल फ्राई दोबारा करवा लिया है, एकदम क्रिस्प हो गया है, गर्मा गर्म। और साथ में देखिए अब आ गई है चटनी, ये देखिए मूली की है ये चटनी, जो लाल मिर्चों से भरी हुई है। अब मैं इनका ये आलू का, अब तो बहुत गर्म है, ये प्याज वाला, डीप फ्राई करके मजा आया। ये ऐसा है कि आप बिना चटनी के भी खाओगे तब भी सही है। जो चटनी बनाई गई मूली की वो ओवर स्पाइस है, वो बिना पकौड़े के आप ऐसे खाइए ना, मजा। तो लीजिए ये बड़ा सा पराठा लगता हुआ, ये देखिए पराठा, हाँ, और ये देखिए कितना बड़ा है, ये गया जी, वाह।
किस चीज का रहता है ये पराठा? मैदा का होता है सर, ये पूरा मैदा? जी सर, पूरा मैदा होता है। तो लीजिए, हार्डली एक मिनट लगा होगा ये पराठा तैयार होने में। ये देखिए, रंग देखिए, रूप देखिए, और क्या साइज है। लीजिए, ये पराठा का क्या रेट रहता है? ये रहता है 150 रुपये के जी। 150 रुपये का किलो? और साथ में ये हलवा अलग? हलवा अलग, हलवा अलग। हलवा का क्या रेट रहता है? हलवा का रहता है 120 रुपये। 120 रुपये किलो। और ये सूजी का है या किस? सूजी का है। सूजी का हलवा जी। 150 रुपये किलो पराठा, 120 रुपये किलो हलवा। तो रेट तो बहुत रीजनेबल हैं, और मुझे लगता है किलो तो बहुत ज़्यादा होता होगा एक बंदे के लिए। कितने लोग खा लेते होंगे एक किलो का? खा लेते हैं पाँच छः लोग। 5-6 लोग एक किलो खा लेते हैं। वाह जी वाह। तो ये जो हलवा है बिल्कुल अभी फ्रेश बना है, और पराठा हमने स्पेशल अलग से गर्म करा लिया है। ये देखिए, इसको चखते हैं कैसा है। ये देखिए, वाह, हलवे में तेज मिठास नहीं है, माइनर सी है, लेकिन ये दोनों का क्या कॉम्बो है। बहुत लजीज, बहुत शानदार, मैं तो ये कहूँगा। अगर आप इस रोड पे आ रहे हैं, हल्का फुल्का कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, हल्की सी भूख है, तो रुक के ये पराठा हलवा ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए, सीधी सी बात है, हम खा भी चुके हैं, लेकिन हाथ रुक नहीं रहा। दिस इज सुपर ऑसम। मेरा मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं था, विजय ने कहा एक चीज गाड़ी ट्राई तो करो, ये ट्राई कर रहे तो हाथ ही नहीं रुक रहा मेरा, ये खा ही नहीं रहे थे। मैंने कहा एक बाइट ले लो, सिर्फ एक बाइट, और इसके बाद देखो इनके हाथ चल रहे हैं, हाथ नहीं रुक रहा। अब मेरे कमाल, इसको खाने का बेस्ट तरीका यही है, जो पराठा बना हुआ है उसको दोबारा से फ्राई कराओ, वो थोड़ा क्रिस्प हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उस पर हलवा डलवाओ, फिर खाओ, और मज़ा ना आए ना यार, जो मर्जी कह देना। पहलगांव से श्रीनगर जाते हुए सड़क पर, हाईवे पर हमें ये काट मिल गई है, और यहाँ पर कश्मीरी स्टाइल, जैसे हम दिल्ली में छोले कुलचे खाते हैं, यहाँ पे मिलता है वलवल, जिसे मसाला भी कहा जाता है, वो आपको दिखाते हैं। आइए, सबसे पहले ये देखिए, लगाइए जी, क्या रेट रहता है? ये 20 रुपये सर, बड़ा वाला। बड़ा वाला 20 रुपये का, लगाइए। ये रोटी है जिसको लवासा कहते हैं, मैदे की रोटी रहती है। हाँ, और ये चटनी लगाई जा रही है मूली की। हाँ, मूली की, और मसाला सब होता है इसमें, इसमें मसाला वगैरह सब होता है। और ये देखिए, ये है मटरा, ध्यान से देखिए, जैसे दिल्ली में मटरा होता है बिल्कुल वही। मसाला तेज कर देना हमारा। हाँ, ये तेज ही बनाओ। वाह, 20 रुपये का स्ट्रीट फूड, कश्मीरी स्ट्रीट फूड। तो लीजिए, ये एक रोल बन गया है। तो ये रोटी है, इसको सेका नहीं जाता किसी पे। ये देखिए अंदर स्टफिंग देखिए, मटरा है जिसमें हल्के हल्के नमक मिर्च है सिर्फ, जो सारा खेल है वो इनकी जो मूली की चटनी है उसका है। चलते चलते पॉकेट फ्रेंडली स्ट्रीट फूड, आपकी छोटी सी भूख मिटाने के लिए परफेक्ट। ये रोल खा के मज़ा आ गया, और अब हम जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ, और श्रीनगर के खाने की तारीफ़ें बहुत सुनी हैं, तो अगला वीडियो देखना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।